हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे अमाफा हर्बल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कुवैत ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, कुवैत ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए घर बैठे करें तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना और सही देखा और सही समझा आपने। तो आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप घर बैठे, चाहे तो आप कहीं भी कंट्री से, इंडिया से, कहीं से भी आप कुवैत आ गए हैं ड्राइवर के लिए, और आपको ड्राइविंग का एक एग्ज़ाम देना है, एक कंप्यूटराइज टेस्ट देना है, फिर आपको गाड़ी चला के देना है, तो इन दोनों चीज़ों में आपको पास होना होता है। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटराइज टेस्ट देना होता है, उसमें 21 क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो यहाँ ट्रैफिक से रिलेटेड होते हैं, उनको आपको आंसर को टिक करना होता है। तो इसी से रिलेटेड हम बताएंगे, लेकिन हम आपको या आपको बहुत से वीडियो, बहुत से यूट्यूब पे, बहुत से प्ले स्टोर पे आपको मार्क मिल जाते हैं कि ये लेफ्ट टर्न है, ये राइट टर्न है, ये सीधा जाना है, 300 एग्जिट रैंप है, ट्रैफिक लाइट अहेड है, वगैरह वगैरह, बहुत से मार्क्स निशान मिल जाते हैं आपको। लेकिन क्वेज कंट्री में आपको 21 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको कंप्यूटराइज पेपर हल करना होगा, जिसका एक क्वेश्चन का दो आंसर होगा, जिसमें से एक आपको सही करना होगा। इसका टाइम लिमिट क्या है, कितनी देर में आपको करना है, कितने क्वेश्चन पे आप पास होंगे और कैसे पास होंगे, और ये क्वेश्चन जो 21 क्वेश्चंस क्वेज कंट्री ड्राइविंग टेस्ट में लिए जाएंगे आपसे, ये 21 क्वेश्चन ही जाने आप, बाकी टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं ना, आपको बहुत जहाँ अलग अलग भटकने की ज़रूरत नहीं ना, आपको सिर्फ मैं जो बताऊंगा 21 क्वेश्चंस, वही क्वेश्चन आपको उसमें कंप्यूटराइज टेस्ट में आपके आने हैं, और उसी में आपको उसका आंसर दे करके आपको पास हो जाना है। बस एक मरतबा तो आप पास हो गए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 21 क्वेश्चन में अगर 21 या 20 या 18 या 19 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप पास माने जाते हैं, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत यही सब चीज़ें बताने वाले हैं, और आपको मैं मोबाइल पे स्क्रीन पे ले चलूँगा और डेमो करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप घर बैठे इंडिया से, अगर आपका वीज़ा यहाँ से चला गया है और आप ड्राइविंग के लिए यहाँ आना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका इंडिया में तो लाइसेंस बना है, लेकिन आपका कुवैत में बनने के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट से पास करना पड़ेगा, ड्राइविंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, गाड़ी चला के भी गुजरना पड़ेगा और कंप्यूटराइज पेपर भी देना पड़ेगा, जिससे आपके कुवैत कंट्री में जो भी सिंबल्स, निशांस, पार्किंग का, नो पार्किंग का, स्टॉपिंग का, टैक्सी स्टॉप का, वगैरह वगैरह, जितना भी मार्क्स आपको है वो मार्क्स आपको मिलेगा ऑनलाइन। इसकी वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पे जा करके आप क्लिक करके सीधे कुवैत की वेबसाइट पे पहुंच जाइए, और आप चाहे इंडिया में रहें, चाहे किसी भी कंट्री में रहें, और चाहे कुवैत में ही आ गए हैं, कुवैती के कफील के घर में हैं, और आपकी डेट निकली है, 1 महीना, 2 महीना या 15 दिन रह गया है आपको, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आपको ये कुवैत की ड्राइविंग टेस्ट वेबसाइट पे ले जाएगा, और आपके सामने सीधे आपको क्वेश्चन आंसर के पेपर को शो कर देगा। आपको बस करना है, एक क्वेश्चन पे टिक करेंगे और आपको नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आएगा, फिर उस पे टिक करेंगे, उस पे टिक करेंगे, उस पे टिक करेंगे, इस तरीके से आपके 21 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तब आपका रिजल्ट शो करेगा। तो रिजल्ट शो करने में एक ग्रीन पट्टी, एक नीली पट्टी दिखेगी, उस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये प्रोसेस में पूरा के पूरा आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे ले जा करके, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ शायद आप वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन ये है कि मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख करके आप महसूस कर सकते हैं और उसको पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जब आप कंप्यूटराइज पेपर देने जाए तो सेम कैटेगरी, सेम कलरफुल और सेम क्वेश्चंस और सेम सिंबल्स आपको मिलेंगे, आपको बहुत आसानी होगी एग्जाम देने में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुश्किल से विद इन 1 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर हल कर लेंगे और 21 क्वेश्चंस पूरे पूरे आप सही कर लेंगे, और फिर दोबारा आपका पेपर नहीं होगा। उसके बाद आपका फिर गाड़ी चलाने का होगा। अब दरअसल गाड़ी तो आपके हाथ में रहेगी, मेरे हाथ में तो नहीं रहेगी, लेकिन जो मेरे पास हाथ में है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं गाड़ी का टिप्स दूंगा तो आप शायद ना करें, क्योंकि उस वक्त तो हैंडल आपकी रहेगी, कहाँ पार्किंग टच करते हो, वो सब तो आपको तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन अगर ड्राइविंग
करने के लिए या उसके पास करने के लिए या ड्राइविंग में बारीकी पकड़ने के लिए अगर आपको जानकारी लेना है, नॉलेज लेना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लेते लेके आता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है और होती है। तो मेरी अगर ये ड्राइविंग टेस्ट की जो आपको मैं बता रहा हूँ कंप्यूटराइज के बारे में बता रहा हूँ, और फिर इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर के आऊँगा कंप्यूटर के अलावा जो आपका टेस्टिंग में गाड़ी चलाने का सिस्टम जो होता है वहाँ पे, उसके बारे में मैं कुछ टिप्स दूंगा। उस टिप्स का फायदा आपको उस टेस्टिंग के दौरान होगा जब आप कंप्यूटराइज पेपर पास कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से आप जो है मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार करिए। कोई दिक्कत परेशानी होती है, वेबसाइट नहीं खुलती है, कहीं आपको कोई समस्याएं होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके हमें जो है कमेंट कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करके भी हमसे क्वेश्चन आंसर और चैटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्यूटराइज टेस्ट के बारे में जान चुके हैं, और आपको मैं ड्राइविंग के लिए, जैसे कि मैंने बताया वहां पे जो ड्राइविंग से रिलेटेड जो टेस्टिंग होगी उसको तो भाई मैं टेस्ट तो नहीं कर सकता, आपको ही करना है, लेकिन उसकी बारीकी, उसके टिप्स और कैसे कैसे करना है इसकी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिए। चलिए आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। हाँ दोस्तों, आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। चलिए आपको जल्दी जल्दी मैं मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ कंप्यूटराइज टेस्ट के लिंक पे। तो मैंने लिंक जो किसी व्यक्ति को शेयर किया था, मैं उनकी आईडी पे चलता हूँ व्हाट्सएप पे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस ब्लू कलर के लिंक पर आपको क्लिक करना है और सीधे आपको कोई वेबसाइट नहीं, सीधे आपका क्वेश्चन आंसर पेपर खुलेगा। तो चलिए जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। हमने क्लिक कर दिया और ये आपको इस तरीके से कुछ इंटरफेस देखने को मिल रहा है, और ये इंटरफेस आपको देखने को जो मिल रहा है इस तरीके से, अब देखिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए ये क्वेश्चन पेपर हमारा शुरू हो गया है, और ये क्वेश्चन नंबर पहला है मेरा। इस तरीके से 20 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऊपर जो लाइन है, और पहला क्वेश्चन मेरा रेड सिग्नल का दिखा रहा है, लेकिन अभी येलो हो जाएगा जब इसको मैं हल कर दूंगा। अब ये निशान है, इसको मींस को आपको समझना है, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, ना सिर्फ 21 क्वेश्चन को सॉल्व करिए इस वेबसाइट पे जाकर के, सीधे इस पेपर पे जाके और डेमो लीजिए और रिजल्ट शो करिए और इसी पे प्रैक्टिस करिए, और इंशाल्लाह जब आप पेपर देने जाओगे तो आप पहली बार में ही पास हो जाओगे। चाहे आप कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा पढ़े लिखे हो या ना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन थोड़ी बहुत अंग्रेजी मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि बगैर अंग्रेजी के आप पेपर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये दो लैंग्वेज में आपको मिलता है, एक अरबी लैंग्वेज में और दूसरा आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को हल करता चलता हूँ, बीच बीच में बताता भी चलूंगा। तो पहले मैंने इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, थ्री ऑप्शन दिए, किसी किसी में फोर, किसी में टू ऑप्शन देते हैं। पहला है पासिंग परमिटेड फॉर साइड विद ब्रोकन लाइन, दूसरा ऑप्शन है पासिंग परमिटेड बोथ साइड्स और नो पासिंग परमिटेड। ये थ्री ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। थ्री ऑप्शन में जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, पहले नंबर को टिक करूंगा, दूसरा नंबर ऑप्शन इसमें मेरे फिर खुल के आता है, और मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए आपको इस तरीके से लाल और पीला निशान बना है। बहरहाल इसको आप निशान जानते होंगे, नहीं जानते हो तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के दौरान जानने लगेंगे। तो मैं नो पार्किंग पे कर देता हूँ और जल्दी जल्दी करूँगा, गलत हो जाए कोई मुश्किल नहीं ना, आपको फिर बताना भी है और आपको प्रैक्टिस करना है, तो गलत और सही करेंगे तो बाद में रिजल्ट जो शो करेगा उस रिजल्ट के हिसाब से आप जो है उसको आंसर को नोट कर लीजिएगा और असेंबल को नोट कर लीजिएगा। तो ये त्रिंगा, ये त्रिभुज बता रहा है, इसमें क्या मतलब है रेड कलर का, इसका पढ़ लेता हूँ मैं। द इन्वर्टेड द ट्रिंगल मीन्स एल टू गिव वे ए ट्रैफिक यू आर द अप्रोचिंग, और दूसरा नंबर पे आई ट्रेंगल द वांस एज टू टेक इन द क्वेश्चन एंड द एडवाइस एज द हैजर्ड अहेड, मैं दूसरे नंबर पे लगा लेता हूँ। बहरहाल जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। देखिए फिर आपका फोर नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया है। अब इसमें पूछ रहा है कि इस तरह टी बना हुआ मेन रोड है, हॉस्पिटल है, साइड रोड अहेड है कि नो थ्रो रोड है। मैं बात करता हूँ साइड रोड अहेड है, नो थ्रो रोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और इस तरीके से चिल्ड्रंस प्लेइंग पे क्लिक कर देता हूँ,
और ऐसे ऐसे आप क्लिक करके आप आगे बढ़ा, देखिए इसमें आ गया है तो स्टॉप का आ गया है, तो स्टॉप वाले ऑप्शन में मैं पहले नंबर पे क्लिक कर देता हूँ, फिर मेरा इस तरीके जल्दी जल्दी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए और आपको ये प्रैक्टिस पता चल जाए किस तरीके से करना है और किस तरीके से रिजल्ट आउट करना है। अब ये मैं नो पासिंग पे कर लेता हूँ, आपको समझ बूझ के करना रहेगा और फिर बाद में पता चले कितना आपने सही किया है। तो ये मैं राउंड अबाउट पे कर लेता हूँ और आप देख रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चंस मेरे आगे आते जा रहे हैं और मैं सही करता जा रहा हूँ, उस कितना सही होगा ये बाद में पता चलेगा। सिलेक्ट द राइट आंसर, कंटिन्यू लाइंस डिवाइड टू वे रोड मीन्स, अब पेडेस्ट्रेन है, ओवरटेकिंग अलाउड है, ओवरटेकिंग प्रोविटेड है, मैं प्रोविटेड पे लगा देता हूँ। और प्रायोरिटी इन द राउंड अबाउट फॉर कम्स फ्रॉम द लेफ्ट पे लगा देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, और इस पे मैं नो ट्रक पे लगा देता हूँ। और फिर एक नया क्वेश्चन खुल के आ गया है, मतलब कि नॉट स्टम्पिंग और पार्किंग पे, मैं सब पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी ना होने पाए। और ये रोड नैरो पे लगा देता हूँ, फिर ये आपका नया ऑप्शन खुल के आ गया, मैं कस्टम पे लगा देता हूँ। और 15 नंबर क्वेश्चन, बस 5 क्वेश्चन और बाकी हैं। प्रायोरिटी इन द टी जंक्शन फॉर कम्स फ्रॉम द प्रायोरिटी इन द टी जंक्शन का फॉर कम्स फ्रॉम द राइट पे मैं लगा देता हूँ, और ये बम्प रोड पे मैं कर देता हूँ, और ये ऑल रेड सिग्नल सर्किल द ऑक्टोपस मैं पहले पे कर देता हूँ। जल्दी कर रहा हूँ भाई, गलती हो जाएगी तो भाई सॉरी उसके लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है और हम आपको जल्दी से बताना चाह रहे हैं और धीरे धीरे आपको उसकी नॉलेज होते रहे, और आप प्रैक्टिस करिएगा, आप सही और गलत का जो है कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा। मैं बस जल्दी जल्दी करके रहा हूँ, देखते हूँ कितना आंसर सही आता है। देखिए हमारा ये क्वेश्चन पेपर हल हो गया है, 21 क्वेश्चन मैंने पूरा कर लिया, लेकिन ये शो रिजल्ट पे जो 10 दिखा रहा है ये गुड कटा हुआ, दूसरे पे कटा पुटा, तो बस ये ब्लू कलर का जो गुड कटा हुआ है इस पर मुझे क्लिक करना, मेरा रिजल्ट शो हो जाएगा। देखिए मेरा रिजल्ट शो हो रहा है, इंटरफेस ये आपके सामने आ गया। अब देखिए मैंने 95% क्वेश्चंस को हल किया है, इसमें मैंने एक क्वेश्चंस गलत किया, देखिए इसमें सारे ग्रीन टिक आ रहे हैं जो वो मैंने सही किए हैं, अब इसमें जो मैंने गलत किया कोई एक क्वेश्चंस गलत किया। बहरहाल अगर आप 19, 18 और 20 क्वेश्चंस ही सही करते हैं, बहरहाल अब देखिए ये आपका ये कस्टम का था तो मैंने नो एंट्री पे लगा दिया था, तो ये गलत हो गया है क्वेश्चंस और बाकी सब क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके से आपने देखा ये हमारा क्वेश्चन पेपर था, अब इसमें जो सही हो गया उसका असेंबल आप नोट करिए, उसके आंसर को नोट करिए, उसको याद करिए, फिर नहीं फिर आप जाना चाहते हैं उसी पे क्या कहते हैं आपका जो कंप्यूटराइज स्क्रीन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कहीं बैक जाने की जरूरत नहीं ना, ये जो कुवैत का जो आपका असेंबल देख रहे हैं इसी पे आप क्लिक करिए और फिर से आपकी कंप्यूटराइज स्क्रीन आपकी मांगेगी लैंग्वेज। देखिए दो ही लैंग्वेज यहाँ पे चलने वाली है वो भी इंग्लिश, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश का आना बहुत जरूरी है। अब देखिए फिर हमारा नंबर 1 पे क्वेश्चन शुरू हो गया है, पहली बार मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरे 19 क्वेश्चन सही थे 20 में से, आपकी बार फिर सही होंगे कि नहीं सही होंगे, लेकिन मैं दोबारा नहीं करने वाला हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और इस तरीके से आप जो है अपने कंप्यूटराइज स्क्रीन टेस्ट को पहली बार में पास करिए। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी रही लगी होगी, और दूसरे नंबर पे आपको जो ड्राइविंग का टेस्ट देना है उसमें कुवैत कंट्री में जो ड्राइविंग का टेस्ट देना है उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि मुझे पास भी टाइम नहीं ना, बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, तो इसके लिए सॉरी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना कतई मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।